आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो गाइज फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म आप लोगों का और मेरा भी। गाइज आखिर वीडियो आ ही गई, आज एक लॉन्ग वीडियो जाएगी और शॉर्ट्स जाएंगे। अब पता है गाइज, देखो पहले तो मैं बता दूँ कि मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, अब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर 2-3 दिन पहले थोड़ा तो कुछ और प्रॉब्लम भी था, तबीयत मतलब ख़राब थी, सर में दर्द था तो इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। और उधर 1 वीक से तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब था तो वीडियो बनाना छोड़ दी थी मैं। तो गाइज़ अब मेरी वीडियो डेली अब आएगी, तो आप लोग टेंशन फ्री रहना। एंड हाँ गाइज़ थैंक यू सो मच आप लोग को, क्योंकि कोई कोई तो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे जो मेरे लिए दुआ किए होंगे कि जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से उसकी वीडियोज़ आए। सो थैंक यू सो मच आपको कि मैं जल्दी से ठीक हो गई हूँ इसलिए। और गाइज आज वीडियो बनाती हूँ। गाइज तो अब मेरी वीडियो डेली आएगी, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, क्योंकि अब मेरी वीडियोस डेली आएगी। दूध लेके गाइस मैं जा रही हूँ कुछ प्ले में, देखती हूँ कि जा रहा है ना टंकी कर रहा है। आज मैं बना रही हूँ चाय सबसे पहले, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन हो रहा था बहुत ज़्यादा, और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इसे ठीक हो जाएगा। गाइज हमारा चाय खोल रहा है, इसके बाद हम लोग इसे पियेंगे। गाइज अब हम लोग चाय और समोसा खाएंगे। ये रही हमारी चाय, इसमें समोसा थोड़ा सा गिर चुका है, और ये रही हमारी बड़ी सी समोसा। चलिए खा के बात करते हैं आप लोगों से। गाइज देखिए पापा जी बना रहे हैं लिट्टी, आज लिट्टी बन रही है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। ये रही लिट्टी की सत्तू और ये पापा जी बना रहे हैं, देखिए आप लोग भी सीख जाइएगा। मेरे पापा जी बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। अब गाइज देखिए इसमें सत्तू भरी जाएगी। मेरे पापा जी को ये सब काम बहुत अच्छा लगता है गाइस, पकाने में मतलब पूछिए मत, इतना ज़्यादा। गाइस ये देखिए पापा जी ने चोखा बना के रेडी कर दिया है पहले से ही, टमाटर है, बैंगन है और इसमें प्याज आलू जो जो है। गाइस ये देखिए ये बन चुकी है लिट्टी, और देखते हैं वहाँ पे बन रही है। गाइस ये देखिए इसमें लिट्टी बन रही है, ये रही हमारी लिट्टी। गाइस ये वाली पैन में लिट्टी बन रही है, क्योंकि ये लिट्टी के लिए बहुत सही रहता है गाइस, ये वाली पैन स्पेशली लिट्टी के लिए ही आई थी, और इसमें हमारी लिट्टी बन रही है गाइस। और चलिए देखते हैं लिट्टी, कुछ लिट्टी पहले से बन चुके हैं उसे देखते हैं। गाइस ये देखिए ये रही कुछ लिट्टी जो बन के निकल चुकी है सीख के, और अभी इस ये थोड़ा अभी काम इसमें बचा हुआ है, इसमें अभी घी डलाएगा उसके बाद खाया जाएगा इसे लिट्टी चोखा, बहुत मस्त। गाइस हम लोग ने लिट्टी पलट दी है, अब इसे ढक देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। गाइस हमारी लिट्टी बन रही है, तब तक आप लोग देखिए छिपकली यहाँ पे है। गाइस गाइस देखिए ये रही छिपकली, किसी किसी घर में रहती है गाइस छिपकली, मेरे ख्याल से सबके घर में होगी, बट देखिए मेरे घर वाला कुछ इस चारों स्पेशल छिपकली। गाइस इधर तो जंगल है, आप लोग देख सकते हो उधर जंगल है, और जब बारिश होती है तो उधर से सांप आ जाते हैं बहुत सारे। उसके बाद वो देखो गाइस वो रही बाइक, मेरे अंकल की बाइक है, पापा जी की बाइक है, और ये गली में जो रहती हूँ उनकी है। और गाइज आप लोग वेदर देख सकते हो, बारिश बहुत हुई है तो मैं छत पे नहीं गई हूँ बहुत। और गाइज हमारी गली बहुत अंधेरा है, सी कुछ ज़्यादा अंधेरा है ना। तो गाइज तब तक हमारी लिट्टी बन रही है, हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद लिट्टी चोखा खा के मैं आऊँगी अब, ठीक है, दिखा दूँगी आप लोग को खाने से पहले। गाइज हमारी लिट्टी बन चुकी है, अब इसमें लगेगी घी, तो पहले कढ़ाई में जाएगी हमारी घी, पापा जी कर रहे हैं। गाइज
गाइस हमारी घी निकल चुकी है, अब जा रही है फटाफट से लिट्टी। अब गाइस लिट्टी में घी मिल रही है। जब लिट्टी में घी मिल जाती है उसके बाद लिट्टी का टेस्ट इतना बदल जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है। और इसमें घी जा रही है गाइस। मेरे पापा जी ना 2 दिन से शाम में ना इतना डिश बनाए जा रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ खाए जा रहे हैं। आज रात का डिनर पापा जी ही बनाए हैं। गाइस हमारे उधर घी मिल चुकी है, अब ये भी है, इसे भी उसी में डाल दिया जाएगा और ये भी घी से भी मिला दी जाएगी।